हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि गूगल मैप से अपना लोकेशन कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि आपका घर हो गया, नया शॉप आपने ओपन किए है, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, अगर आपको गूगल मैप्स पे उसको ऐड करना है तो उसको कैसे ऐड करेंगे वो आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे पब्लिक को आपके नए शॉप या रेस्टोरेंट का लोकेशन ढूंढने में आसानी हो और आप अपने लोकेशन के साथ अपने शॉप कभी ओपन होता है, कभी बंद होता है, छुट्टी कभी रहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका शॉप का फ़ोटो डाल सकते हो, जिससे पब्लिक को आपके शॉप ढूंढने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हुई तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप गूगल मैप्स का एंड्रॉयड ऐप ओपन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड प्लेस पे क्लिक कीजिए। तो पहले आप अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए, जैसे कि आपका शॉप है, रेस्टोरेंट है, वो सिलेक्ट कीजिए। तो पहले आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलेंगे आपको लॉजिंग, रेस्टोरेंट, स्कूल, कैफ़े, शॉपिंग सेंटर, बार। अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं है तो आप डाल भी सकते हैं मैन्युअली शॉप, उसके बाद उस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप आपका शॉप का नाम डालिए यहाँ पे, तो मैं आपको ABC डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, आप यहाँ पे मैन्युअली एड्रेस डाल सकते हो, अगर आपको मैन्युअली एड्रेस नहीं पता है तो यहाँ पे अपडेट लोकेशन ऑन मैप पे क्लिक कीजिए, और ये रेड कलर का है वहाँ पे ड्रॉप कीजिए जहाँ आपकी शॉप है। आप जूम करके भी देख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट मैप है। अगर इस पर आपको दिखने रहा है कि कहाँ आपकी शॉप है तो राइट साइड में आपको क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप सैटेलाइट में जाइए, उसके बाद जूम कीजिए जहाँ आपकी शॉप है उस पर ड्रॉप कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेटेड विद अनदर प्लेस, अगर आपका यहाँ पे नहीं है, दूसरे जगह पे है, तो लोकेटेड अनदर मैप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो, जैसे कि दूसरे स्टेट में किधर भी है तो वहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हो, सेम मेथड ये। के उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अभी हम अपने शॉप कभी ओपन होता है और कभी बंद होता है उसका टाइमिंग डालेंगे, तो एट आर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मंडे के राइट साइड में आपको क्लोज मिलेगा, पेंसिल मिलेंगी, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका शॉप 24 आवर्स ओपन रहता है तो उस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो क्लोज रहता है क्लोज। अगर आपको मैन्युअली टाइम सेट करना है, जैसे कि आप अगर आपका शॉप सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो उस पर उसके लिए हम ओपन 24 आवर्स पे डबल क्लिक करेंगे, उस पर हम ओपन टाइम पे सेट करेंगे। तो ये ब्लू कलर का है, उसको बाहर के साइड पुल कीजिए। तो पहले आप अगर 8 बजे ओपन होता है तो 8 बजे कीजिए और आपकी उंगली निकालिए स्क्रीन पे से, उसके बाद 8 बज के कितने बजे ओपन हो रहा है, जैसे कि 8:30 बजे ओपन हो रहा है तो 30 पे क्लिक रखिए इसको, उसके बाद सेट कीजिए। वैसे ही क्लोज टाइमिंग पे भी, अगर 5 बजे क्लोज होता है तो 5 बजे, उसके बाद अगर 5 बजे बराबर क्लोज हो रहा है तो वैसे ही सेट करने का, उसके बाद सेट पे क्लिक करिए, उसके बाद सेव कीजिए। उसके बाद राइट ऊपर देखिए डन है, उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है ऐड फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी कस्टमर आपके कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। उसके बाद आपको वेबसाइट मिलेगा, आपकी वेबसाइट क्या रहेंगी उस पर क्लिक डालिए यहाँ पे वेबसाइट आपकी। तो अगला ऑप्शन है ओपनिंग डेट, अगर आपको पता है आपका शॉप अगले महीने कौन से डेट पे ओपन होने वाला है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो अगर आपको पहला ऑप्शन है आई डोंट नो, अगर आपको पता नहीं आपका शॉप कभी ओपन होने वाला है अगले महीने या उसके दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो उस पर क्लिक कीजिए। नहीं तो अगर आपको पता है आपका शॉप स्पेसिफिक डेट पे, मतलब अगले महीने कौन से तारीख पे ओपन होने वाला है, तो इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपका डे, अगस्त, मतलब महीना या कौन से साल में ओपन होने वाला है वो डालिए, उसके बाद डन कीजिए। तो अगला ऑप्शन है ऐड फोटो, अगर आप अपने शॉप का फ़ोटो ऐड करते हो तो गूगल को वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी और आपका लोकेशन जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा,
तो सब ये होने के बाद आप राइट साइड में यहाँ पे क्लिक कीजिए, अभी सेंड हो जाएगा गूगल को। अगर आपको फोटो है तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शन आपको मिलता है। अगर नहीं है तो नो कर दो। तो मेरे को अभी 15 पॉइंट्स मिल गए हैं। उसके बाद कैंसिल कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि मेरा एडिट वेरीफाई हुआ क्या, अप्रूव हुआ क्या देखेंगे। तो उसके लिए हम नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए सी योर एडिट्स। ये देखो फ्रेंड्स मेरा ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुका है। मैंने कुछ भी डाल दिया फिर भी गूगल मेरा अप्रूव कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके बाद नीचे देखिए आप, यहाँ पे मेरा अभी तक गूगल इज़ वेरीफाइंग योर एडिट दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी हुई तो कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।